हाय फ्रेंड्स, मैं फैयाज। फ्रेंड्स, आज का वीडियो टोयोटा इनोवा में बनाने जा रहा हूँ। इनोवा क्रिस्टा है डीजल और इसमें स्टीयरिंग प्रॉब्लम है। तो स्टीयरिंग में क्या दिक्कत है, आइए गाड़ी के पास चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये स्टीयरिंग आप देख सकते हैं, देखिए कितना जो है एक आवाज भी आ रही नॉइज। ये देखिए एक आवाज को जैसे हम स्टीयरिंग घुमा रहे हैं वैसे आ रही है। तो इसमें कहाँ से लीकेज है, आइए मैं दिखा रहा हूँ अभी आपको। मैं लीकेज चेक करा दे रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं ये यहाँ से लीकेज है इसका। ये देखिए ये काफी लीकेज है। जब ये ऑयल लीक कर जा रहा है, इसकी वजह से ये जो है आवाज इसमें नॉइज आ रही है और स्टीयरिंग हार्ड है। तो हम क्या करेंगे, पहले इस रेक को जो है बाहर लेते हैं। तो रेक को खोलने के लिए देखिए, जो ये टॉयलेट एंड है इसको हम इधर से खोलेंगे, उस तरफ से खोलेंगे और स्टीयरिंग का बोल्ट मैं दिखा दे रहा हूँ। आप देख सकते हैं ये स्टीयरिंग है और ये स्टीयरिंग का बोल्ट है। ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक इस तरफ है और एक जो है इस तरफ है, मैं भी दिखा रहा हूँ। ये देखिए और ये दोनों बोल्ट हम अभी खोलेंगे। और कुछ पाइप हैं, देखें अब उस साइड में लगे हुए हैं। ये देखिए पाइप लगे हुए हैं यहाँ पे, ये वाले पाइप हैं। अब देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ दिखाने की, ये है और ये सब है। तो इसको निकाल करके हम पहले अभी स्टीयरिंग बाहर ले लेते हैं, उसमें मैं बताऊँगा कि इसमें क्या करना है इस स्टीयरिंग में। तो आप देख सकते हैं ये इसका बोल्ट खुल रहा है और ये देखिए उसमें से हमने पाइप हटा दिया है वाला जो बोल्ट करके। और ये देखिए बोल्ट निकला, ये नट बोल्ट होता है और इसी तरह का उस तरफ भी होता है। तो आप देख सकते हैं ये स्टीयरिंग रेक बाहर आ गया और यहाँ से ये लीकेज था। और ये वाला भी बोल्ट खोलना होता है, यहाँ वाला, ये इसको खोल करके उसके बाद हटाते हैं। और बस ये एक बोल्ट था और एक बोल्ट ये था और बाकी जो है ये दोनों तरफ से टायर एंड का बोल्ट खोलना होता है। और उसके बाद ये पाइप खोल करके और ये खोल करके हमारा स्टीयरिंग असेंबल बाहर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये मैंने टोयोटा में ही मंगाया है स्टीयरिंग, ये और ये हमारा स्टीयरिंग रेक है असेंबल। और वो देखिए पुराना वाला है, तो हम इसको अभी टाइट कर लेते हैं। टाइट करके उसके बाद स्टीयरिंग ऑयल डाल करके हम चेक करते हैं। फ्रेंड्स, मैं इसमें स्टीयरिंग ऑयल डाल रहा हूँ और इसमें जो कहते हैं कि एयर निकालना होता है स्टीयरिंग का, तो ऐसा कुछ है नहीं एयर वगैरह निकालने का सिस्टम इसमें। तो अभी मैं दिखा रहा हूँ कि क्या कैसे क्या क्या प्रोसेस है इसका। जैसे इंजन स्टीयरिंग ऑयल ये फुल हो गया, लेकिन जब हम स्टार्ट करेंगे तो ये अचानक अंदर जाएगा क्योंकि जो पाइपलाइन खाली हुआ है, पाइपलाइन खाली होगा तो उसमें जाएगा ही जाएगा। तो अभी मैं स्टार्ट करके दिखा रहा हूँ। फ्रेंड्स बिल्कुल ओके, यहाँ पे स्टीयरिंग काट के हम दिखवा दे रहे हैं। स्टीयरिंग घुमाओ पड़ो दोनों तरफ, देखिए बिल्कुल फ्री घूम रहा है। इस तरफ घुमाओ और फुल, बस ठीक, देख सकते हैं बिल्कुल फ्री हो गया। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।